कांशा को ढूंढ रही हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट टाइम। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन इतनी लेट है, बता कितनी लेट है, काफ़ी लेट है। हम लोग यहाँ आ गए थे 9:30 बजे और 12:30, इतनी लेट है। सो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, खाने जा रहे हैं छोले भटूरे। जा रहे हैं कहाँ? जैसलमेर। गाइज ये शाउट आउट वीडियो इन भैया के लिए, इन्होंने हमारे लिए खाना मंगवाया था और इन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए, दैट इज़ सो स्वीट। हमने इनको तब बोला, इन्होंने कहा आप हमारे राजस्थान आए हो तो अतिथि देवो भव, सो इसलिए मैं इनकी जस्ट वीडियो डाल रही हूँ, ही सो स्वीट। कंपनी ने जो हमें स्टे दिया था देवी रिजॉर्ट, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सो मेरे 12:00 बज रहे हैं पर हम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और मैं डेंटल किट लेने आई हूँ यहाँ पर। इतना बड़ा है ये, ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जाना है किधर नहीं जाना। वो रिसेप्शन था, वहाँ से घूम घाम के आई हूँ। ये भी है एक, वो भी है एक, पर हमारा शायद आगे वाला है क्योंकि मुझे वो झूले याद हैं। रात को तो यहाँ बहुत डर लगने वाला है, बट आई थिंक लाइट्स वगैरह जलाएंगे तो सुंदर लगेगा। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने रिसेप्शन पे, आके मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा। टू गर्ल्स हु आर शेयरिंग वन रूम, सो आई विल शो यू। बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि अब मेरी बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। मेरे साथ यही है, थोड़ा सा भी बाहर का खाओ, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग गई, पिंपल्स हो जाते हैं। अभी फटाफट से जाकर ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। गाइस कोई भी नहीं है, व्हाट टू डू, क्योंकि ये रूम कैसा है तो यहाँ पे ऐसे गांव में जैसा प्रॉपर कुंडी वुंडी होती है, टेंटेड है, इट्स सो बिग, लाइक लुक एट दिस। और ये रहा हमारा बेड, प्रेस वेस सब दिया है। इट्स ना बहुत ज़्यादा राजस्थानी स्टाइल, तो मुझे यहाँ के मैनेजर ने बताया कि ये बहुत एंटिक चीज़ों की कलेक्शन की इनकी शॉप है। सो ऑफकोर्स हम जैसलमेर में, तो इट्स गिविंग अस राजस्थानी वाइब। एंड लुक एट द बाथरूम, इट्स सो फ्रिकिंग ह्यूज। एंड या दिस इज द बाथरूम, आई रियली लाइक दिस रिजॉर्ट, आई हैव नेवर बीन टू वन, सो आई एम रियली लाइकिंग इट, इट्स वेरी ह्यूज। बाहर का तो मैंने दिखाया ही आप लोगों को, कपड़े दिस इज़ नॉट आर्स, जो हमारे रूम मेट उसका है। हमारा रूम की चेक इन ना अभी 11:00 या 10:00 पे होगी, सो वी आर जस्ट शेयरिंग अ रूम अभी किसी के साथ। एंड उनकी आज से ही ड्यूटी है, बट हमारी कल से, मेरी कल से है, तो आई एम जस्ट डूइंग टाइम पास यहाँ पर। देयर इज़ एन अपडेट, वी हैव चेंज्ड आवर रूम, क्योंकि मेरे को और आकांक्षा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों को अलग अलग रूम मिले थे जो कि हमें नहीं चाहिए थे, तो हमने स्वैप कर लिया। एंड वो होटल काफ़ी, मतलब वो रूम काफ़ी ऐसा था कि मतलब राजस्थानी टच था, बट दिस रूम इज़ लाइक दिल्ली के होटल्स, आई विल शो यू हाउ। वो उसका वॉशरूम काफ़ी बड़ा था, इसका वॉशरूम बहुत छोटा सा है। एंड देन दिस रूम इज़ नॉट नाइस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, बट यहाँ पे थोड़ा ये है कि सेपरेट है और हम लोगों को मिल जाए। एंड इट्स ऊपर, यू कैन सी, Yeah.
दिस इज़ द प्लेस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सूर्यगढ़ रिजॉर्ट। सो बेसिकली यहाँ पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी की है, और आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों को राहुल वैद्य भी यहीं पर मिले। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, और आप ही ये व्लॉग पूरा देखना राहुल वैद्य से मिलने के लिए। ऑब्वियसली वर्क के टाइम आई कांट मेक वीडियो, तो आप सिर्फ वीडियो डर के खिला रहे हो। हमें वो मिलेगा कुत्ते का क्या, कुत्ता ही तो ए कुत्ता किसको बोली ये मेरा नाम तो बना रही हूँ मेरा नाम तुम छोड़ो ठीक है, चेप मत हो प्लीज गो। एक तो आपने मुझे भूत की स्टोरी सुना के जो मेरे अंदर मन में डर पाला है ना, अगर मेरे को होटल में डर लगा अरे ओ तू बना, तो मैं आपको कॉल करके बोलूंगी कि मेरे को नहीं पता यार कितना बदतमीज हो। मेरा चेहरा मत ले, क्यों तेरा चेहरा क्यों ला लूं दिखा। ठीक है नहीं ले रही तू भाई, मेरा नाम इतना मोटा क्यों बना रही है? व्हाट इज दिस लॉजिक? मैं पतली हूँ, साफ साफ बोल तेरे को मेहनत नहीं करनी है। ए मतलब ये आई एम टॉकिंग टू यू, यू कैन सिट देयर। मैंने कुछ लाई कि नहीं लाई है कुछ खाने को? इस यार कैंटीन बंद थी ना। Viva